एक सेक्टर के बारे में दो तीन दिन से काफी बातचीत हो रही है सुशील जी और वो है मेटल काउंटर्स आप डॉलर इंडेक्स पे भी बहुत पैनी नजर रखते हैं क्योंकि वो इसका इम्पैक्ट आता है मेटल्स पे आपकी क्या स्टडी चल रही है वहां पे क्या आपने नजर डाली इधर देखिए ये जो भावनाएं है ना फंडा बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि वो फंडामेंटल एनालिसिस करते करते कब भावुक हो जाते हैं मैं फंडामेंटल एनालिसिस का बिल्कुल भी उपहास नहीं कर रहा पर खतरा है कि बुद्धिमान व्यक्ति कब भावुक हो जाएगा फंडामेंटल करते करते उसे पता नहीं चल पाता है इसीलिए मैं कहता हूं कि फंडामेंटल एक विचार है और व्यवहार आपको टेक्निकल के अनुसार करना पड़ेगा टाटा स्टील की आप चार्ट को देखिए ये थोड़ा बहुत जो लपका है तो ये क्या इनफ है ये कोई ट्रेंड नहीं है सिर्फ एक रीबाउंड है बाकी निफ्टी के साथ टाटा स्टील को भी नीचे जाना है बे रुपए तक तो जो लॉन्ग टर्म का विचार है उसको आप शॉर्ट टर्म के व्यवहार में जब मिक्स कर देते हो इसीलिए टेक्निकल एनालिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं एनएमडीसी और नालको इन दो स्टॉक्स को जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए उठा के रखा है उन दोनों को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स के स्टॉक्स को भी शॉर्ट करने का इंतजार कर रहा हूं पर चूंकि बैंकों में और ऑटो में मेरे को बहुत बड़ी मलाई नीचे की आती दिखती है तो हम हो सकता है कि मेटल्स को शॉर्ट करने के लिए कैपिटल ही नहीं जुटा पाएंगे सारी कैपिटल हमारी उसी शॉर्ट्स में चली जाएगी पर मेटल्स पे किसी भी प्रकार से कोई बाई का फॉर्मेशन बन रहा हो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लिखता